प्रकार से कोरोना की आपातकाल में आपने देखा है, कोरोना एक आपातकाल था, इससे पीड़ित होकर जितने लोग बचे हो किसी न किसी प्रकार की साइड इफेक्ट से, बीमारी की साइड इफेक्ट को झेल रहे हैं। और कुछ लोग तो उसको अपने प्रति ना सोचते हुए अपने परिवार और समाज की के प्रति कर्तव्यों को निर्वहन में अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ में उस बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस नज़रअंदाज को देखते हुए जिस प्रकार से डायबिटीज़ जिसको नहीं थी उसको हो गई, जिस प्रकार से हृदय रोग किसी को नहीं था या बीपी की समस्या हो गई, ये छोटी छोटी सी बीमारियां को हम लोग पकड़ सकें, इसलिए इस तरह का स्वास्थ्य केंद्र लगाने का समिति ने फैसला किया है। समिति चाहती है कि हर व्यक्ति जो कोरोना से निकल करके आया है और तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट झेल रहा है, यहाँ के डॉक्टर्स को दिखा चुका है, उसे सेकेंड ओपिनियन अच्छे डॉक्टर्स की भी मिल सके, इसलिए विश्वविख्यात मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के डॉक्टर्स से हम लोग सेवा ले रहे हैं। हमारे शिविर पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, जिसमें जांचें भी फ्री रहेंगी, जिसमें मुख्य रूप से ECG, BP भी हम जांचेंगे, शुगर भी जांचेंगे, BMI, BMD तमाम तरह की जांचें होंगी, हृदय रोग विशेषज्ञ रहेंगे हमारे यहाँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डायटिशियन और मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। आजकल मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत व्यक्ति परेशान है, चाहे अपनी जॉब को लेकर के हो या किसी प्रकार से, उसे अच्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे। इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए हम लोग ये काम हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति से, हमारी समिति की अनुमोदना से करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ, हमारे समिति का मानना है कि स्वास्थ्य से बड़ी पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी को स्वास्थ्य लाभ देने में जरा सा भी 1% का भी काम करते हैं, तो वो पुण्य के घड़े में आपके संचित होता है। हमारे जैन समाज इस सोच को लेकर के, जियो और जीने दो को लेकर के चलता आया है, उसी क्रम में हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि हम एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करें और लोगों को लाभान्वित करें। इसमें हमारे जैन समाज के और डॉक्टर्स, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ भी रहेंगे, दंत रोग विशेषज्ञ का भी प्रयास किया जा रहा है, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी रहेंगे, और चौथे जो है डेंटिस्ट की तो बात हो ही गई, और चौथे डेंटिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी रहेंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा एक बनाया, ऐसा फोरम बनाया जिसमें हर तरह की बीमारी को हम समेट सके, हर तरह की जाँचों को हम यहाँ पर कर सके। 8:30 बजे से हमारा कैंप स्टार्ट होगा जो 2:30 बजे तक रहेगा, जिसमें से जिन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा वो अगले महीने पुनः आकर के पुनः हमारा जो शिविर लगेगा उसका लाभ ले सकते हैं।